जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें। खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा गया। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी कीव छोड़ने के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कीव में फंसे सभी छात्र और भारतीय जैसे भी हो कीव शहर को छोड़कर वहां से बाहर निकलें। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक रूस की सेना का एक बड़ा काफिला कीव की तरफ कूच कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से कीव समेत अन्य शहरों पर हवाई हमले भी जारी है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के चर्निहिव में घुसी बेलारूस की सेना, रूस को मिली है बड़ी मदद। आपको बता दें कि अब बेलारूस की फौज सीधे तौर पर रूस के साथ युद्ध में शामिल हो गई है। खबर है कि यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र चर्निहिव में बेलारूसी सेना दाखिल हो गई है। आपको बता दें कि बेलारूस रूस का सहयोगी देश है, साथ ही बेलारूस यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर अधिक अतिरिक्त बलों को तैनात कर रहा है। और आपको बता दें कि विशेषज्ञ तो अब यही मान रहे हैं कि यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों पर रूस जल्द ही अपने कब्जे में लेने जा रहा है। और इन सब के अलावा रूस अपने परमाणु हथियारों की तैनाती भी यूक्रेन से लगे बेलारूस में ही करने की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि खतरनाक कदम उठा लिया रूस ने, वैक्यूम बम से यूक्रेन को कर रहे तबाह, भयंकर गर्मी फैलाकर छीन रहे लोगों की सांसें। आपको बता दें कि यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस अब खतरनाक कदम उठाने लगा है। अमेरिका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम गिराकर तबाही मचा रहा है। ये बम यूक्रेन के कई शहरों में खतरनाक रूप से गर्मी फैला रहा है, लोगों की सांसें रुक रही हैं। इसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इस बम की विनाशकारी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार के इस्तेमाल में करीबन 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर पूरी तरह से खाक कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों के लोगों की मदद करेगा भारत। यूक्रेन भेजी जाएंगी राहत सामग्री की पहली खेप। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और उस बैठक में अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को विदेश तो भेजा ही है, साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जो सहायता मांग रहे हैं। और दोस्तों, इन खबरों के बीच अगली बड़ी खबर की पहली तारीख से ही फिर से बढ़ गई है महंगाई की मार। 105 रुपए बढ़ गए रसोई गैस के दाम। आपको बता दें कि दुनिया में जंग के हालात हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच भारत में 1 मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए। और आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिलेंडर के दामों में 105 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि साधारण उपभोक्ताओं को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाम में बदलाव कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है। फिलहाल इजाफे से आम लोगों को राहत है। कहा तो ये जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की PM किसान योजना में बड़ा बदलाव। 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा। आपको बता दें कि PM किसान योजना के तहत अब किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 10वीं किस्त पहुंच चुकी है। PM किसान योजना 2021 में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया था, जिसके हिसाब से अब 11वीं किस्त के लिए किसानों को EKYC पूरा कराना होगा। यानी अब 11वीं किस्त के लिए किसानों को कई नए नियमों के साथ आवेदन करना होगा। यानी कि PM किसान योजना के लाभार्थियों को अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब आप अपना EKYC पूरा करवा लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक EKYC पूरा नहीं किया है तो जल्दी से करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार। अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमूल के बाद अब पराग का दूध भी महंगा हो गया है। डेयरी फार्म पराग मिल्क फूड लिमिटेड ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो मंगलवार से ही लागू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कृपया यात्रीगण ध्यान दें, अब ट्रेन से सफर के लिए कम देना होगा किराया। इंडियन रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ये खास सुविधा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के एक फैसले से अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए कम किराया देना होगा। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि कोरोना संकट के दौरान बंद किए गए अनारक्षित डिब्बों में सफर की व्यवस्था को अब फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों, आसान शब्दों में समझे तो अब ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को एडवांस टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले की तरह यात्री अब जनरल डिब्बों में भी अनारक्षित टिकट लेकर कम किराए में यात्रा कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की PNB से चेक क्लियरेंस कराना हो तो बदल गए हैं नियम, 4 अप्रैल से होगा लागू। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर
कर रहा है। मतलब ये कि अगर आप 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा के मूल्य का चेक का भुगतान कराएंगे तो जारीकर्ता से दोबारा पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ही चेक को क्लियर किया जाएगा। बैंक ने बताया है कि ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प खत्म, ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह खत्म करके ऑफलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड को खत्म करके स्कूलों को पूरी तरह से ऑफलाइन यानी कि फिजिकल करने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की अब क्लास और एग्जाम दोनों ही केवल ऑफलाइन ही होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन रूस हमले में भारतीय छात्र की मौत, सरकार ने दोनों देशों के राजदूत को किया तलब। आपको बता दें कि यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के दौरान मंगलवार को एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यूक्रेन रूस युद्ध में पहले भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। खबरों की माने तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र का नाम नवीन कुमार है, छात्र कर्नाटक के रहने वाले थे। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूक्रेन संकट ने दशकों से न्यूट्रल रह रहे देशों को भी जंग में उतारा। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जापान, जर्मनी ने उठाए ये बड़े कदम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक हो चुकी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दशकों से न्यूट्रल रहे देश भी अब जंग के मोड में आ चुके हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो खुद को ऐसी जंग से दूर रख रहे थे, लेकिन अब वो भी आगे आ रहे हैं। स्वीडन जो 1939 के बाद किसी दूसरे देश के साथ सैन्य मोर्चे पर मदद करने जा रहा है, वहीं जर्मनी ने अपनी रक्षा पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय संसद ने मंजूर कर ली है जेलेंस्की की अपील, EU में शामिल हो सकता है यूक्रेन। आपको बता दें कि यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को ही यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था और इस आवेदन को यूरोपीय संघ ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले जेलेंस्की ने यूरोपीय संसद को संबोधित किया। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर मिसाइल बरसाई है, क्रूज मिसाइलें दागी है, ये कोई माफ नहीं करेगा, न ही कोई भूलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में यूरोपीय संघ हमारे साथ है। इस दौरान यूरोपीय संघ में मौजूद प्रतिनिधियों ने ताली बजाकर जेलेंस्की के बयान का समर्थन किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट कराएगी वायुसेना, रवाना हो सकते हैं कई C-17 विमान। रूस और यूक्रेन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इन सबके बीच अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए एयरफोर्स के कई C-17 विमानों की सहायता ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के निकासी के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के ओखटीरका में सैन्य ठिकाने पर रूस का बड़ा हमला, 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के ओखटीरका में एक सैन्य ठिकाने पर रूसी सैनिकों की तरफ से भारी गोलाबारी में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सुमी प्रांत के गवर्नर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जली हुई 4 मंजिला इमारतों में मलबे से लोगों की तलाश करते हुए बचाव कर्मियों की तस्वीरें भी पोस्ट की है। इस युद्ध के दौरान कई रूसी सैनिक और कई स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में अगले 24 घंटे में बदल जाएगा मौसम, गरज और बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि मार्च का महीना शुरू हो गया है और उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 2 मार्च को हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद पारे में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों पल पल की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।